वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर श्वेता कडलापुडी, ऑब्स्ट्रिशन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो गाइज, हमारे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सीरीज चल रहा है, उसका नेक्स्ट वीडियो जो आज का वीडियो है, दैट इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी टू अवॉइड मिसकैरियज। जो भी जितना भी मिसकैरियजेस होता है ना प्रेगनेंसी में, उसमें 70% ऑफ द मिसकैरियजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी टू 12 वीक्स, इसके अंदर ही 70% ऑफ दोज मिसकैरियजेस विल हैपन। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 हफ्ते तक ना नॉर्मली ना पुराने जमाने में 3 महीना कंप्लीट होने तक किसी को बताते भी नहीं है प्रेगनेंसी है करके। सो गाइज, ये 3 मंथ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज ये वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेके ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरियजेस को प्रिवेंट करेंगे। कभी कभार बेबी का डिफेक्ट्स इतना ज्यादा रहता है कि नेचर ही उसको ऑप्ट आउट कर लेते हैं, बॉडी उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। ऐसा प्रेगनेंसी में जो मिसकैरियजेस बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं या मेजर इश्यूज होता है ना, वो चीजें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आम चीजों की वजह से, हम जो बेसिक गलतियां करते हैं उसकी वजह से जो मिसकैरियजेस होता है, यस ऑफ कोर्स हम उसको अच्छी तरह से ये प्रिकॉशंस लेके अवॉइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, हैवी वेट्स नहीं उठाना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, एंड फर्स्ट 12 वीक्स में बेटर अवॉइड हैविंग इंटरकोर्स, एंड किया तो भी ना यू हैव टू डू इट इन ए वेरी जेंटल वे। एंड ऐसे जो चीजें हैं जो खाने की वजह से हमारे प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम हो जाते हैं, लाइक अनराइप पपिया या अंडर कुक्ड फूड, बाहर का खाना, कलर्ड फूड्स, नहीं तो बहुत दिन का खाना, ऐसे चीजें हम अवॉइड करना चाहिए। एंड फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में बेटर अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है कि पैसिव स्मोकिंग, यूजुअली इंडियन वुमेन नहीं स्मोक करते हैं। पैसिव स्मोकिंग जो होता है, घर पे और कोई स्मोक करते हैं उसको भी एक्सपोज होते हैं, ऐसा भी स्मोकिंग को हम अवॉइड करना चाहिए। एंड कोई कोई को बहुत कैफीन लाइक कॉफी और टी का आदत रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी टी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें जो कैफीन एंड टैनिन्स है ना, ये हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में या बेबी के तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होने में लेके जा सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो उसको बहुत ज्यादा कॉफी टी का सेवन नहीं करना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लाइक यूर डेटिंग स्कैन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम करते हैं, एंड एंटी स्कैन, ये जो चीजें हैं आपका डॉक्टर का सलाह को लेके अच्छी तरह से टाइम पे कराइए। बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो स्कैन करते डेटिंग स्कैन, इट विल रूल आउट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड ऑल्सो मल्टीपल जेस्टेशन है तो, मतलब ट्विन्स या ट्रिपलेट्स है, ऐसा कुछ है, मोर देन वन प्रेगनेंसी है, तो उस प्रेगनेंसीज में कैसा प्रिकॉशंस लेना चाहिए आपका डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। एंड सपोज प्रेगनेंसी नाजुक है क्या, प्रेगनेंसी के साथ ओवेरियन सिस्ट है क्या, प्रेगनेंसी में सपोज एंटी स्कैन में आपको ऐसा पता चलता है सर्वाइकल लेंथ कम है, आपका सर्विक्स नाजुक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सारा चीजें हमको सोनोग्राफी से ही पता चलेगा। सो आपका स्कैन टाइम पे बरोबर होना ही चाहिए। एंड जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपको सजेस्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आपका रूटीन फॉलोअप है वो कंपलसरी करके ले लीजिए। बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी किसी को डायबिटीज होता है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसा आप रूटीन स्कैन के लिए आते हैं, इफ यू आर ओबीस तो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होता है, अंडर वेट के प्रॉब्लम्स क्या होता है, आपका डॉक्टर से अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। एंड फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो जरूर लेना चाहिए, वो बेबी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। सपोज हम बहुत वीक है, हमको ज्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, सो प्लीज डोंट बी एट होम, आपका बहुत इश्यू हो रहा है, प्लीज विजिट द डॉक्टर, कम टू द हॉस्पिटल। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है वॉमिटिंग होना कॉमन है, बट वो एक लिमिट से ज्यादा होने लगा, पानी भी नहीं बचता है, तो आप जरूर मेडिसिन का हेल्प लेना ही चाहिए। एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जैसा मैंने बताया ना, बिल्कुल अवॉइड कीजिए, एंड लॉन्ग फ्लाइट्स भी अवॉइड करना चाहिए। एंड ऐसा कुछ रेड फ्लैग साइंस है, मतलब जो डेंजरस साइंस है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, तो आप इमिडिएट आपका डॉक्टर को कॉल कीजिए, नहीं तो उनका क्लिनिक पे कॉल कीजिए और उनके पास जाइए। उसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ब्लीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, सिवियर एब्डोमिनल पेन जो आपसे सहन नहीं हो पा रहा है, एंड ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, पानी भी नहीं पच रहा है, टैबलेट लेते हैं वॉमिटिंग का गोली वो भी नहीं रुकता है, तो दैट इज द टाइम वेयर यू शुड हैव टू विजिट द डॉक्टर। फीवर एंड फीवर विथ रैश,
ये भी अच्छा नहीं होता है, यू हैव टू गो एंड विजिट द डॉक्टर। एंड ऑल्सो लूज मोशंस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तभी भी आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो गाइज, दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। टेक ऑल द सप्लीमेंट सजेस्टेड बाई योर डॉक्टर, डू अल्ट्रासाउंड एट द प्रॉपर टाइम दैट इज सजेस्टेड, एंड ऑल द ब्लड इन्वेस्टिगेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम इन साइड यू विच कैन कॉज हार्म टू यू एज वेल एज योर बेबी। गाइज, आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल टू यू, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू गाइज।